क्या आप भी सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, लेकिन पंप का चुनाव कैसे करें इसके बारे में जानकारी नहीं है, सब्सिडी कैसे मिलेगी इसके बारे में पता नहीं है? ऐसे ही सोलर पंप से जुड़े कई और सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज के इस मॉडिफाइड थॉट की वीडियो में। जब बात कृषि की होती है तो पानी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और पानी के लिए हमें पंप की जरूरत पड़ती है। पिछले कई सालों से हम डीजल पंप, इलेक्ट्रिक पंप यूज करते आ रहे हैं, लेकिन सोलर पंप किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है और केंद्र सरकार भी इन सोलर पंप्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, काफी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। सोलर पंप आपको एक ही बार में लगवाना है, फिर आपको 25 साल तक कोई टेंशन नहीं है। और भारतीय कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए भारत के लगभग सभी राज्यों में सोलर पंप आसानी के साथ लगवाए जा सकते हैं। तो खेत में लगने वाले सोलर पंप से जुड़ी हर छोटी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो द्वारा। तो किसान भाइयों, सोलर पंप को स्टार्ट करने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन कृषि से जुड़ी आधुनिक जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों हमें बिजली पर चलने वाले पंप को सोलर से चलने वाले पंप के साथ बदलना चाहिए। पहली बात तो सोलर पंप में आपको कोई भी फ्यूल नहीं डलवाना है, यानी कि एक बार खरीदने के बाद आपको उस पंप के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। और सोलर पंप हम पहाड़ी एरिया में भी लगा सकते हैं जहां पर बिजली तथा डीजल की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही सोलर पंप का मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत भी आपको बिल्कुल नहीं है। कि नॉर्मली पंप्स को तो हम सभी किसान भाई काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सोलर पंप कैसे काम करते हैं आइए आपको बताते हैं। सोलर पंप में तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो है सोलर पैनल, दूसरा आता है कंट्रोलर और तीसरा है पंप। अब बात करते हैं पंप टाइप्स की। नॉर्मली दो प्रकार के पंप किसान भाई यूज करते हैं। हम बोरिंग में डालते हैं, वो हो गया सबमर्सिबल पंप, यानी जो पानी में जाकर काम कर रहा है। दूसरा हो गया सरफेस पंप, जो हम नदी तथा बावड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन पंप्स में भी आ चुका है अपडेट और दोनों ही यानी सबमर्सिबल और सरफेस में आपको एसी तथा डीसी मोटर वाले पंप ऑफर हो रहे हैं, जिनकी बात हम आगे जाके करेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा पंप अच्छा है। फिलहाल तो बात करते हैं कि अगर आपको सोलर आपके खेत में बिठाना होगा तो आपको कितनी ज़मीन लगेगी। तो मैं आपको एक अंदाजन बताता हूँ कि लगभग एक हॉर्स पावर के लिए आपको 100 स्क्वायर फुट लैंड लगने वाली है। मतलब आपको 1 HP का बिठाना हो या फिर 10 HP का, आप अपने हिसाब से आपको कितनी जगह लगेगी इसका अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो। मान लीजिए आप बिठा रहे हो 3 HP का सोलर पंप, तो उसमें लगते हैं तकरीबन 10 सोलर पैनल्स, जिसकी कीमत जाती है 2 लाख से लेकर तकरीबन 2.5 लाख तक, जिस पर आपको 25% सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस आप जिस भी राज्य से हो उस राज्य की जो भी सब्सिडी होगी वो उसमें ऐड हो जाती है। नॉर्मली आपको 25% और सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से ऑफर होती है, यानी तकरीबन 50% की सब्सिडी आपको सोलर पंप पर ऑफर होती है। वहीं बात करें अगर 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप के लिए, तो उसमें आपको लगते हैं 16 सोलर पैनल्स और ये पड़ता है आपको लगभग 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक। इस पंप पर भी आपको 25% सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी आपके राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी वो सब्सिडी मान्य होती है। अब बात करते हैं एसी मोटर और डीसी मोटर के फर्क के बारे में, क्योंकि कई सारे किसान भाई इनमें कन्फ्यूज है कि कौन सी मोटर अच्छी है, कौन सी मोटर अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर को तो शायद आप सभी किसान भाई जानते ही होंगे, काफ़ी कन्वेंशनल पंप्स में यानी पुराने पंप से हम इसे देखते आ रहे हैं। इनकी कीमत कम होती है, रिपेयर करने की अगर बात आए तो आपके गांव में या फिर तहसील में रिपेयर आसानी से हो जाती है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, जब भी आप सोलर पावर पंप चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पावर जनरेट हो रही है सूर्य से वो हो रही है डीसी और आपका पंप है एसी, तो आपको क्या करना पड़ता है कि बीच में कन्वर्टर लगाना पड़ता है, जिससे आपके पंप को अच्छी खासी ताकत नहीं मिल पाती और जो डिस्चार्ज है यानी आपको पानी कम मिलता है। तो ये तो एक नुकसान हो गया कि पानी कम मिल रहा है, साथ ही आपको एसी टू डीसी कन्वर्टर लगाना पड़ता है जिससे पावर कम मिलती है। तो ये दो नुकसान है। जहाँ तक बात है डीसी मोटर की, तो ये हाल ही में लॉन्च हुई है,
काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है इनमें, और ये सोलर पावर पे भी काफ़ी अच्छा डिस्चार्ज देती है। यानी कि अगर आप सोलर पंप बिठा रहे हो तो बेहतर होगा कि आप डीसी मोटर लगवाएं, तो आपको अच्छा खासा डिस्चार्ज मिल सकता है। अब इसके भी कुछ नुकसान हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपका जो नॉर्मल एसी करंट वाला पंप है वो आपके गांव में रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ये जो डीसी मोटर है ना, ये इजीली रिपेयर नहीं होने वाली है। और जब आप इसे नया खरीदेंगे तब भी इसकी कॉस्टिंग तकरीबन 15% ज़्यादा होती है उसी क्षमता वाले एसी मोटर के मुकाबले। अब आपको पंप के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में पता चल गया है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा सोलर पंप सही होगा। पंप का चुनाव करते वक्त सबसे ज़रूरी है कि आपको दिन में कितने पानी की ज़रूरत होती है और आपके यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, क्योंकि पंप को पानी नीचे से खींचना है तो आपके ग्राउंड वाटर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मोटर बिठानी पड़ेगी। देखिए, नॉर्मली तो प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि 2 हॉर्स पावर की मोटर 2 एकड़ लैंड के लिए काफ़ी होती है और 7.5 हॉर्स पावर की मोटर 10 एकड़ की खेती के लिए काफ़ी है। अब सारे कैलकुलेशंस करते वक्त दो चीज़ें हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है और वर्टिकल लेंथ। हॉरिजॉन्टल यानी जब भी हम बोरिंग से पानी उठा रहे हैं काफ़ी डेप्थ पर होता है तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेंथ आती है, और वर्टिकल लेंथ यानी जहाँ से आपका कुआँ है या फिर बोरिंग है वहाँ से आपको खेत में कितने दूर तक पानी लेके जाना है। तो मान लीजिए वर्टिकल यानी ऐसी लंबाई अगर आपकी 1 किलोमीटर है यानी 1000 मीटर, तो तकरीबन 1 kg प्रेशर कम होता है, यानी 10 मीटर हेड आपको ज़्यादा चाहिए होगा, मतलब आप डिज़ाइन करते वक्त 30 फीट लेंथ ज़्यादा पकड़नी होगी आपको। और जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोलर पावर पंप के लिए एक गाइडलाइंस इशू की है, उस हिसाब से 5 हॉर्स पावर का ऐसी सबमर्सिबल पंप तकरीबन 91,000 लीटर पानी दे सकता है 1 दिन में, और जिसका टोटल हेड होगा लगभग 50 मीटर का। और अगर आप 2 हॉर्स पावर का सोलर पावर पंप बिठाएंगे तो आपको तकरीबन 700 मीटर तक हॉरिजॉन्टल यानी ज़मीन पर 700 मीटर तक वो पानी लेके जा सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा पंप सही रहेगा, तो सही मायने में 7.5 हॉर्स पावर का पंप आपके लिए बेहतरीन रहता है। हालांकि इनिशियल में आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना होता है। आपको बताना चाहेंगे कि सोलर पावर्ड पंप्स जब भी हवामान खराब होता है तब अगर वो पंप्स छोटे होंगे तो आपको जो डिस्चार्ज चाहिए वो नहीं मिलता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास 5 हॉर्स पावर का पंप चल रहा है तो आप सोलर पावर पंप थोड़ा सा बड़ा बिठाएंगे तो आपके सारे काम काफ़ी आसानी से हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए सोलर लाइट तो दिन में 8 घंटे देती है, तो आपका पंप मान लीजिए 6 घंटा या 7 घंटा चल सकता है आराम से पूरी ताकत पर, लेकिन उसके बाद क्या? कई क्रॉप वैरायटीज ऐसी होती है जिनको रात में पानी देना होता है, तो आप इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप रात में आपके मोटर को बिजली से भी चला सकते हैं, तो ये सबसे काम की बात है किसान भाइयों के। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर दिखा देता हूँ सोलर पंप के। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैसे डीसी मोटर एसी मोटर से ज़्यादा आउटपुट देती है, तो आप जो फिगर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसे देखकर आपको वो अंदाज़ा हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके वो नंबर्स देख सकते हैं। ये सारे नंबर्स हैं टाटा सोलर पावर पंप के, क्योंकि टाटा हमारी मेड इन इंडिया कंपनी है जो गाड़ियाँ भी बेहद अच्छी बनाती है, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो बेहतरीन है, तो इनके सोलर पावर पंप भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप टाटा के सोलर पावर पंप्स खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो सरफेस पंप के नंबर्स है, और अभी आप जो देख रहे हो वो सबमर्सिबल पंप्स के नंबर है। अब बात आती है कि रखरखाव कैसे करें। तो वैसे तो एसी या फिर डीसी मोटर के लिए आपको ज़्यादा रखरखाव तो नहीं करना है, लेकिन जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उनको आपको हर महीने में एक बार क्लीन करना होगा पानी से, और आपको उसको साफ कपड़े से पोंछना भी होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। अब सोलर पंप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं, जैसे कि सोलर मोटर कितने दिन काम करेगी। देखिए, नॉर्मली सोलर पैनल की जो लाइफ स्पैन है वो 25 सालों का होता है। मोटर पर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, यानी 10 साल तक आपके मोटर को तो कुछ नहीं होना चाहिए।
अब कई किसान भाई सवाल पूछते हैं कि क्या सोलर पंप हमें कंटिन्यूस डिस्चार्ज यानी एक समान वाटर का फ्लो दे सकता है? जी नहीं, क्योंकि सोलर पंप में कोई भी बैटरीज नहीं लगी है, तो वो मात्र काम करेगा सनलाइट पर। जिस प्रकार की सनलाइट होगी उस प्रकार का आपका वाटर फ्लो होगा। अब तीसरी सबसे जरूरी बात है कि अपने सोलर पैनल्स को कैसे बचाए, क्योंकि सोलर पैनल्स तो लगेंगे खेत में, हो सकता है कि आपके खेत के पास आपका घर ना हो, तो हो सकता है कि आपके सोलर पैनल्स चोरी हो जाए, तो उसके लिए एंटी थीप बोल्ट्स आते हैं। अगर आप सोलर पैनल्स बिठाते वक्त इनका प्रयोग करोगे तो कोई भी आपके सोलर पैनल्स को आसानी से चुरा कर नहीं ले जा पाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय लोग उंगली करना कभी नहीं छोड़ते हैं, तो अगर कोई आपका सोलर पैनल को डैमेज करता है तो जी हाँ, आपको काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पंप में 60% कॉस्ट तो सोलर पैनल की ही होती है, मोटर और बाकी के चीज़ों की ज़्यादा कीमत नहीं होती। तो अगर आपका सोलर पैनल डैमेज हो जाता है तो जी हाँ, आपको भारी मात्रा में नुकसान होगा। तो जब भी आप सोलर पैनल्स के पास कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ बच्चे बच्चे खेल रहे हो तो काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब बात करेंगे सोलर पैनल्स बिठाने के लिए आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, कैसे आवेदन करना होगा, इन सारी चीज़ों का। तो जब हम वीडियो बना रहे हैं फिलहाल तो कुसुम सोलर योजना बंद है, क्योंकि कोविड के कारण सभी राज्यों में काफ़ी अलग मामले चल रहे हैं, तो कुसुम सोलर योजना 2021 में फिलहाल तो आप अर्जी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एक नॉर्मली इसका प्रोसीजर बताते हैं। कुसुम सोलर योजना के लिए आपको अपने राज्य के कृषि विभाग में आवेदन करना होता है, और ये योजना काम करती है पहले आओ और पहले पाओ प्रणाली पर, यानी जो किसान भाई पहले आवेदन करेगा उसको सबसे पहले सब्सिडी दी जाएगी फंड्स खत्म होने तक, जो राज्य सरकार ने उस स्कीम के लिए अलोकेट किए होंगे। तो सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन आवेदन। तो आवेदन करने के बाद जो भी राशि किसान भाइयों को बैर करनी है वो आपको भरनी होगी, और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित डीलरों से आपको सोलर पंप मिल जाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पहले कंफर्म हो जाता है कि आपको सब्सिडी मिलने ही वाली है, और आपको उतने ही पैसे देने हैं जितने सब्सिडी काट कर होते हैं। यानी कुछ ऐसा फंडा नहीं है कि आप पहले सब भी पैसे भरो उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी, जी नहीं, सब्सिडी काट के ही आपको पैसे पहले ही देने हैं। तो जब भी कुसुम सोलर योजना 2021 या फिर 2022 में चालू होगी तो उसकी वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे कि कैसे इसके लिए आवेदन करना है। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर था पिछले साल, लेकिन पिछले साल से ये तो स्कीम बंद ही पड़ी है जब से कोरोना आया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में सोलर पंप से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम खेती से जुड़ी एक नई वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले हो। आप हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।